राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं प्रियंका। देश में लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ये जो कोरोना है वो सबसे ज्यादा घातक रूप में सामने आया है। मैं हूँ इस वक्त लखनऊ के मुंशी पुलिया चौराहे में, और इस वक्त लखनऊ में 3 दिन से नाइट कर्फ्यू चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं वो सभी इस वक्त बंद कर दी गई हैं, क्योंकि लखनऊ में 9 से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी शॉप्स को बंद करने का जो कह सकते हैं फरमान आया है। और साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और अगले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही 24 घंटे में अब तक करीब कोरोना के 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने अपने मामलों को लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। और आप इस वक्त भी देख सकते हैं मेरे पीछे एक पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हुई है, और साथ में वहाँ पे अनाउंस भी किया जा रहा है कि लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, क्योंकि लोग जो है वो कोविड-19 के रूल्स को फॉलो करते हुए देखे नहीं जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में कई जो राज्य हैं उनमें लगातार अभी चुनाव हो रहे हैं, और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इस समय चुनावों के टाइम पर लगातार रैलियां भी की जा रही है, जिसकी वजह से हजारों हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग आ रहे हैं, और ना तो वहाँ पे लोग मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी फॉलो कर रहा है। आप मास्क तो छोड़ दीजिए, आप देख सकते हैं जितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ की जा रही हैं, चाहे वो BJP हो, चाहे वो TMC हो, चाहे वो असम में हो, चाहे वो केरल की हम बात करें, बड़ी बड़ी रैलियों में लोग कोविड-19 के जो रूल्स हैं उनको साफ तौर पर तोड़ते हुए देखे जा सकते हैं। अब हम मैं बात करती हूँ लखनऊ की। लखनऊ में पिछले 3 दिन से नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है, और लोगों से लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है, क्या नाइट कर्फ्यू लग जाने से इस कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर रोक लग सकती है? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि लगातार ये जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और अब ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर 1 लाख से ज़्यादा आंकड़े जो है वो पार करते हुए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल सरकार के ऊपर भी ये खड़ा होता है, क्या ये जो लोग हैं वो प्रोटोकॉल को, जो रूल्स जो बनाए गए थे कोविड-19 के, वो वास्तव में उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं? बड़ी बात और चौंकाने वाली बात ये है कि लखनऊ के बैकुंठ धाम में जहाँ कोरोना से मरने वाले लोगों को लाया जा रहा है, और वहाँ पर विद्युत शव दाह के द्वारा वहाँ पे लोगों को उनका शव का दाह संस्कार किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो लोग हैं जो मर गए हैं कोरोना की वजह से, उनको 9 से 10 घंटे तक की लंबी वेटिंग लिस्ट में खड़े होना पड़ रहा है। इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि इस समय जो कोरोना के मामले हैं वो कितने बढ़ते जा रहे हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है, क्या कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या उसके लिए सिर्फ सरकार दोषी है? नहीं, उसके लिए दोषी हम भी हैं, क्योंकि हम लोग जब दिन का टाइम होता है ना तो हम मास्क लगाते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, और ना ही बार बार सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को। ये भी एक सबसे बड़ी वजह है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कोरोना है वो इस बार सबसे ज़्यादा घातक है, ख़ासतौर पर छोटे छोटे बच्चों के लिए। इसलिए कंट्री साइड न्यूज़ की टीम और कंट्री साइड न्यूज़ का चैनल पूरे आपसे ये विनम्र निवेदन कर रहा है कि प्लीज़ कोविड-19 के रूल्स को प्लीज़ फॉलो करें, घर से जब भी बाहर निकलें मास्क लगाकर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्लीज़ ख्याल रखें, अपने को सुरक्षित रखें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। जब आप और हम सुरक्षित रहेंगे तभी ये देश सुरक्षित रह सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ मैं प्रियंका, लखनऊ से कंट्री इनसाइड न्यूज़ के लिए।